अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में थोड़ी सी आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि आई एम गोना मेक सम हैंडमेड ब्रेसलेट्स। उसके बाद आपको दिखाऊंगी व्हाट आई ईट इन द हेल्दी एडिशन एंड हाउ आई लॉस्ट 10 kg इन 3 months। एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेसलेट्स अपने लिए, अपनी बहन के लिए और मेरी एक जापानीज़ दोस्त है उसके लिए। मेरे पास ये वाले बीट्स हैं, वाइट, पिंक एंड पर्पल। मेरे पास बटरफ्लाई चार्म्स हैं और मेरे पास इनिशियल्स हैं। तो मैं सबके इनिशियल्स लगा के समथिंग लाइक दिस स्टिक बीडिंग थ्रेड आई विल बी यूजिंग दिस। ये वाला मुझसे गलती से आ गया, ये इलास्टिक नहीं है, ये बहुत हार्ड है, इसके ऊपर मैंने ये बनाई है। बट मुझे ये भी रिमूव करके इस वाले थ्रेड पर बनानी है। ये तो स्ट्रेचेबल ही नहीं है बिल्कुल, ये मुझसे गलती से ले लिया गया। ये वाले और भी बीट्स हैं, ये वाले सारे मेरे पास इनिशियल्स के चार्म्स हैं, अल्फाबेट्स। आई विल बी शोइंग यू गाइस द फाइनल प्रोडक्ट, आई होप सब अच्छे से बन जाए। ये दूसरा हार्ड वाला थ्रेड था, इसको मैंने फोल्ड करके वापस रख दिया। अब मैंने ये वाला खोला, ये इलास्टिक थ्रेड है, आई विल बी यूजिंग दिस। एंड ये वाले सारे अभी निकाल देती हूँ दोबारा से इसको इस पर डाल के, फिर देखते हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखता है। एंड वहाँ पे इन बीड्स में इतने ऑप्शंस थे कि मुझे नहीं समझ आई कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये कलर्स सही हैं कि नहीं है। दैन आई वेंट विद द फीलिंग कि मुझे ये वाले ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड चार्म्स में सिल्वर भी था बट आई प्रेफर गोल्डन। अभी तक मैंने कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन किया है, वेट, कुछ ऐसा मैंने किया है। इसमें 3 बटरफ्लाइज डाली हैं, अपने इनिशियल्स डाले हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ पर ना लॉक कर दिया जाए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं अपनी चिया पुडिंग कैसे बनाती हूँ। आई विल टेक चिया सीड्स, जितने मुझे खाने होते हैं उस हिसाब से। आई एम मेकिंग 2 tablespoons नाउ, थोड़े और डाल लेते हैं। आई लव चिया पुडिंग, आई लव हाउ इट टेस्ट। मुझे इसके बाद कुछ मीठा और नहीं चाहिए होता। आई विल ऐड माय प्रोटीन पाउडर, इट्स 30 grams ऑफ प्रोटीन पाउडर विच गिव्स मी 21 grams ऑफ प्रोटीन। And then I'll add milk in it, and we'll let it be in the fridge to chill, and then it's ready to eat. दूध इतना डाल लें बस कि आपका ये सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। एंड आफ्टर 3-4 hours, मतलब मैं डिनर से पहले आई टेक माय चिया पुडिंग लाइक एज अ स्नैक। तो मैं आपको दिखाऊंगी हाउ आई टॉप इट ऑफ विद फ्रूट्स एंड नट्स, फिर मैं आपके साथ इसका फाइनल भी दिखाऊंगी। सो इजी, यू जस्ट हैव टू कंबाइन योर इंग्रेडिएंट्स एंड लेट देम चिल, दैट्स ऑल। एंड दिस डेज आई एम ऑन 1 meal a day, क्योंकि मुठती बहुत लेट हो, ब्रेकफास्ट एंड लंच ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है। एंड आई टेक 1 meal जो कि मेरा डिनर बचता है फिर। एंड देन आई टेक माय बीट रूट ड्रिंक, एंड देन आई ऐड लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रूट्स टू माय डाइट। एंड डिनर में आई टेक वट एवर इज मेड एट होम, घर का खाना जिसमें कोई भी चावल सालन चपाती एनीथिंग। सो व्हाट के आई ड्रिंक, लॉट्स ऑफ वाटर। इससे पहले जो मैंने पानी पिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव शोन इन अनदर वीडियो हाउ आई मेक दिस। ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें डाल के रात को इसको भिगो के रख देते हैं। सुबह इसको सीव करके ड्रिंक कर लेते हैं। इसमें से आधा मैंने पी लिया, आधा मैं बाद में पीऊँगी अपने रात के खाने से पहले। के बाद में आई टेक लॉट्स ऑफ वाटर, आई ड्रिंक 2 of these glasses पानी पी लूँ। ये नहीं कि आप खड़े खड़े अब एक ही सांस में सारा पानी पी लें, नो, जस्ट लाइक सिट, सिप इट नाइसली, यू नो, सिट, डू योर थिंग्स, अपनी मेल्स चेक करें, अपना टीवी देखें, कोई भी काम जो आप सुबह उठ के करते हैं, अपना रूम क्लीन करें, साथ पानी पीते रहें, वक्फन वक्फन चलते रहें, थोड़ा चलें फिरें घर के, अपने छोटे मोटे काम कर लें सुबह उठने के बाद। ड्रिंक एज मच एज यू कैन बिफोर यू बिगिन ईटिंग समथिंग। एंड नेक्स्ट आई ऑलवेज बिगिन माई डे विद एन एप्पल, सुबह ज़रूर सेब खा कर अपना दिन शुरू किया करें, इट हेल्प्स अ लॉट। एंड जैसे ही मैंने देखा कि आज हमारे खाने में पाए बने हैं साथ में वाइट राइस, आई कुडंट रिजिस्ट, तो मैंने अपनी प्लेट तैयार की। इसे मैंने आई ऑलवेज ऐड दही ऑन माई फूड, एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू चेंज माई ईटिंग हैबिट्स एज आई एम अ बिग फूडी, आई लव फूड, आई डाई फॉर फूड, बट यू हैव टू पुट योर हेल्थ फर्स्ट, यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। इन टूडेज टाइम वे वी स्पीक अ लॉट अबाउट सेल्फ केयर, सेल्फ लव, तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस को रखना है, सबसे पहले अपनी सेहत को रखना है। एंड इफ यू आर गुड देयर देन बिगिन
टेक इट टू व्हाटएवर हाइट्स यू फील लाइक. मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना. आई यूज़ टू ईट अ लॉट ऑफ जंक एंड अ लॉट ऑफ फास्ट फूड, बट एट सम पॉइंट आई रियलाइज्ड इट्स नॉट बेनिफिटिंग मी, बल्कि मुझे ये नुकसान दे रहा है. दैट वॉज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी एंड आई मेड माई माइंड कि अब खुद को पहले रखना है. आई हैव टू लूज ऑल दिस फैट एंड मुझे फिट रखना है खुद को, अपनी सेहत का ख्याल रखना. पहले पहले बड़ा मुश्किल लगता है. व्हेन आई स्टार्टेड मुझे लगता था कि 15 किलो कम करना तो इम्पॉसिबल है, ये मेरा बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल मैंने रख लिया है. बट नो, विद ईच डे आई कुड फील चेंजेस इन माई बॉडी. विद ईच डे आई वॉज मोर डिटर्मिंड टू अचीव माई गोल एंड आई एम ग्रेटफुल. I feel blessed that I could make it. पानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आप ऐसे मुझे पता है, हम लोग वैसे उठ के ग्लास में पानी भर के कोई नहीं पीता. तो ये अपनी हैबिट बनाएं कि आप पानी की बोतल अपने साथ रखें. थ्रू आउट द डे ड्रिंक योर वाटर एंड जब बॉटल ख़त्म हो इसको दोबारा से रिफिल करें. और पानी इतना ज़रूरी है इंसान की बॉडी के लिए, हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता. हम लोग सोडास पीते रहते हैं, जूसेस पीते रहते हैं, टोटली अवॉइड ऑल ऑफ दैट. वो सिर्फ और सिर्फ चीनी आपको पिला रहे हैं जूसेस के नाम पे. बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड इफ सम डेज आई फील लाइक ड्रिंकिंग, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी गाइज. आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ ग्रीन टीज लाइक जापनीज ओचा कॉफ़ीज़. का ये सीन है कि उसमें नो शुगर इन माई कॉफ़ीज. एंड सेकेंड थिंग इज़ के आप फ्रैपेचिनोज मत पिए. हम लोग स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स और ये सब कॉफ़ीज के नाम पे हम लोग सिर्फ फिर वही के अपनी चीनी पीते रहते हैं, उनसे फ्रैपेचिनोज लेकर पीते रहते हैं. दैट्स अ बिग नो. कॉफ़ी पिए अपने, कैपेचिनो लातेस पिए अपने, इन्जॉय करिए. आई लव कॉफ़ी एंड आई कैन नॉट स्किप ऑन दैट. दो ये तीन महीने आई वॉज ऑन नो कॉफ़ी. मैंने कॉफ़ी भी बिल्कुल छोड़ दी, चाय बिल्कुल छोड़ दी. बट देन आई रियलाइज कि थोड़ा फन भी चाहिए, अपनी पसंद की चीज़ें इतनी भी नहीं छोड़नी. एंड आई एम बैक ऑन कॉफ़ी. आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोस में, आई ऑलवेज हैव कॉफ़ी इन माय हैंड. अब मैं खाऊंगी चिया पुडिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ हाउ आई प्रिपेयर इट. सारे को अच्छे से मिक्स करके आई टेक इट आउट इन अ बोल. I'm recording a YouTube video. तो निकाल कर मैं इसके ऊपर डालूंगी अपने पसंदीदा फ्रूट्स, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या ऐड करूंगी. अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मिक्सड बेरीज है मेरे पास, इसके अंदर चेरीज भी हैं. जस्ट रैंडमली और जो भी आ गया बस ठीक है. इसमें स्ट्रॉबेरीज और ब्लू बेरीज आएंगे मेरे पास. यहाँ पे हैं अलग से ब्लू बेरीज. आई ऐड अ लॉट ऑफ ब्लू बेरीज, आई लव फ्रोजन ब्लू बेरीज. नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डाल दूंगी श्रेडेड कोकोनट. नेक्स्ट आई विल ऐड नट्स. पहले मैं बड़ा इनको प्यार से काट के छोटा छोटा डाल दी थी, अब मैं थोड़ा गर्म कर मैं ऐसे ही डाल के नट्स इसके ऊपर अपने पसंद के. आई विल गो एंड ईट दिस. ये मेरी चिया पुडिंग रेडी हो गई है एंड अभी इसको इंजॉय करूँगी, साथ अपना टीवी देखूँगी. यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो रही है. मम्मा बना रही हैं ओट्स. वी ईट ओवरनाइट ओट्स ब्रेकफास्ट में. मेरा तो ज़रा स्किप हो जाता है, तो मम्मा लोग भी खाते हैं नाश्ते में. यहाँ पर आज मम्मा ने बनाया है केक. अगर इसकी कुछ क्लिप्स हुई तो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह. बहुत मज़े का लग रहा है. मैंने तो खाया नहीं क्योंकि मेरी ज़रा चीनी बंद की हुई है मैंने अपनी. बाकी भी सब इकट्ठे होंगे तो हम लोग डिनर के बाद खाएंगे. ये मेरी ब्रेसलेट्स वाला काम अभी भी पेंडिंग है. आई थॉट इट्स वेरी इजी बट इट्स नॉट एज ईजी. मैंने कल सारी पूरी ब्रेसलेट बनाई और वाइल नॉटिंग इट वो मुझसे सारी ब्रेसलेट टूट के बिखर गई. फिर मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया कि अभी ये नहीं सही से हो रहा, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए. बिकॉज मुझे बनानी तो है, दैट्स फॉर श्योर. आई हैव डिसाइडेड टू शेयर माई जर्नल्स विद यू. किसी ना किसी नोटबुक से कोई ना कोई पेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, शायद आप लोगों को उसमें से कुछ काम की बात मिल जाए. तो चले मैं आपके साथ हारुकी मुराकामी की कोई बात शेयर करती हूँ, जो हैं इस बुक के ऑथर. काफ्का ऑन द शोर इज रिटन बाय हारुकी मुराकामी एंड ही इज़ अ जापनीज राइटर. तो ये इनका एक पेज है, आई शेयर समथिंग आउट ऑफ दिस. Closing your eyes in hard times is not going to change anything. Nothing is going to disappear just because you can't see what's going on. In fact, things will even be worse the next time you open your eyes. That's the kind of the world we live in. Keep your eyes wide open. Closing your eyes and plugging up your ears won't make time stand still. And the good part is that ye wala jo saying hai Murakami ki, ye isi kitab mein se hai, Kafka on the Shore. Beautifully written. And jab hum apni मुश्किलों की तरफ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उससे ये नहीं होगा कि आप जब अगली दफ़ा आंखें खोलेंगे तो आपकी मुश्किलें जा चुकी होंगी, बल्कि वो आपके लिए और वर्स हो जाएगा कि आपकी मुश्किलें और एक वर्स लेवल पे पहुंच चुकी होंगी. सो
अपनी हमेशा आंखें खुली रखें एंड ऑलवेज ट्राई टू थ्राइव एंड फाइंड अ वे आउट। अगर आप वहीं पर रुके रहेंगे और कहेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो चीज़ों को बेहतर करने के बजाय वो वर्स हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने कैसे बनाया कि बिकॉज इट्स फ्रॉम द बुक काफ्का ऑन द शोर, जिसके टाइटल पे इट्स अ कैट एंड इसके अंदर भी बिल्ली का एक पीओवी दिया हुआ है, तो आई हैव एडेड कैट के स्टिकर्स। आई हैव ड्रॉन दिस बाय माई सेल्फ, आई हैव ड्रॉन दिस बाय माई सेल्फ एज वेल। चलें इसका बाकी का पार्ट भी आई विल शेयर विद यू गाइस। पीपल्स मेमोरी आर मे बी द फ्यूल दे बर्न टू स्टे अलाइव, इट्स अ लिटिल डीप बट देयर इज अ सर्टेन मीनिंग दैट आर लॉस्ट फॉर एवर द मोमेंट दे आर एक्सप्लेन इन वर्ड्स। की हर बात बता के नहीं समझाई जाती है, जब आप कहीं बातों को समझाने पर चलते हैं अगले लोगों को तो बात अपनी इंपॉर्टेंस खो बैठती है। ये वही चीज़ें जो हमारे बड़े हमें समझाते हैं। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।